सातवां अध्ययन अध्ययन उरभ्रीय पेज नंबर 30। उरभ्रीय अध्ययन में कुछ उदाहरण भगवान ने दिए हैं जो प्रमादियों के लिए दिए हैं, बहानेबाजों के लिए दिए हैं, विषय और वासना में जो लीन है ऐसे लोगों के लिए दिए हैं, जिनके जीवन में अभी भी वासना की लालसा जिनके मन में पल रही है, विषय भोगों के प्रति जिनकी कामनाओं के अभी उपशांति नहीं हुई है, जो अभी भी संसार में और संसार की सुख सुविधाओं में अभी भी आनंद मान रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने इस अध्ययन में कुछ उदाहरण दिए हैं। इस अध्ययन का एक नाम एलकीय भी है। एलकीय अध्ययन या उरभ्रीय बात एक ही है। एलक बकरी के या भेड़ के छोटे से बच्चे को कहते हैं, जैसे गाय के बछड़े को हम वत्स कहते हैं, ऐसे ही बकरी या भेड़ का जो बच्चा जो छौना होता है उसे एलक कहते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है कि एक घर में एक आदमी ने बकरी पाली और एक बच्चा उसका हुआ। उसी घर में संयोग से जब बकरी ने बच्चा दिया उसी वक्त पर गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। तो वो जो मालिक है वो गाय के सामने रूखा सूखा घास जो भी उसे मिलता या जो भी उसके पास था वो उसके सामने डाल देता था, परंतु बकरी और उसके बच्चे को बढ़िया से बढ़िया, सुकोमल से सुकोमल, ताजी से ताजी और नई से नई, अभी के अभी ढूंढी हुई, खोजी हुई और लाई हुई घास वो बकरी और उसके बच्चे को खिलाता था। गाय का बछड़ा रोज ये देखता था कि देखो हमारा मालिक क्या करता है, भेदभाव करता है। भेदभाव ये करता है कि माँ दूध देती है, जो गाय है इसके परिवार को पालती है, और गाय के तो भैया दूध ही नहीं, उसका तो गोबर और यहां तक के तो गौमूत्र भी काम आता है। कि मेरी माँ तो इसके परिवार को पालती है, फिर भी ये माँ को क्या करता है, रूखा सूखा घास डाल देता है, और ये बकरी और इसका बच्चा ये तो घर में किसी काम भी नहीं आते और फिर भी इन्हें अच्छी से अच्छी कोमल से कोमल घास खाने को मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी माँ से शिकायत की कि माँ हमारा जो मालिक है ना बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है। तो कहा करे क्यों बेटा, क्या बात हुई? करे बात ये हुई कि ये जो मालिक है ना ये भेदभाव करता है, ये देखो आप तो इसे दूध देती हो, इतना काम आती हो इसके परिवार के, और फिर भी ये आपके सामने रूखा सूखा घास और भूसा डाल देता है और उसी को आपको खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है, और ये बकरी और इसके बच्चे को देखो कैसे खा खा के मोटे हो रहे हैं, कैसे खा खा के इनकी चर्बी बढ़ रही है, पर केवल चर्बी ही बढ़ रही है, ये किसी काम नहीं आते। तो गाय बोली, अरे बेटा तू अभी छोटा है, तू समझता नहीं है, क्योंकि जो खाएंगे वही तो पछताएंगे। आज ये खा रहा है कल ये पछताएगा। तो कहा करे ऐसे क्यों? करे मुझे तो बहुत बुरा लगता है। करे कुछ नहीं, थोड़े दिन इंतजार कर, उसके बाद तुझे भी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। और सचमुच में ही ऐसा हुआ। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद घर में कुछ मेहमान आए, और जैसे ही मेहमान आए बछड़ा तो भागता हुआ डरता हुआ बेचारा कुल बुलाता हुआ अपनी माँ के पास भागता हुआ आया और कहा माँ बचाओ बचाओ बहुत बुरा हो गया। करे क्या हुआ बेटा? करे माँ वो उसने मालिक ने मार दिया उसे। करे किसको मारा? करे वो बच्चे को, जिसको कल तक वो अपने बच्चे से भी ज्यादा लाड़ प्यार करता था, जिसे हरी हरी घास लाकर खिलाता था, उसे उसने क्या कर दिया, उसे मार दिया। और तो कहा करे बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खाया है तो आज उसका खाया हुआ क्या होगा,
आज सारा का सारा निकल गया, तुझे तो मैं और तू तो क्या कर रहे हैं, सूखी घास खा रहे हैं, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत से भयभीत वो हों जिन्होंने जीवन विषय और वासनाओं को खाने में चरने में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया हो, जो ज्ञान का भोजन करते हैं, जो श्रद्धा का पान करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु से भय करने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा जीवन ही जीवन होता है, जो जीवन ज्ञान में गया, जो जीवन भक्ति में गया, जो जीवन श्रद्धा में गया, वही जीवन असल में जीवन गया है। बाकी तो मरते हुए पैदा होते हैं, मरते हुए जीते हैं और मरते हुए इस दुनिया से मरते चले जाते हैं। तो याद रखिए कि भगवान ने जो ये उदाहरण दिए हैं, अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, परंतु इन छोटे छोटे उदाहरणों में भगवान ने जीवन का महान रहस्य उंडेल कर रख दिया है। जो इन्हें अपनाएंगे, जो इन्हें समझेंगे, वो अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, दिव्य और भव्य बनाएंगे। अब हम इसका पहले इसकी गीति का और फिर उसका मूल पाठ। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता, सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दिव्यता। सप्त अध्ययन से वरण हो श्रेय पथ की दिव्यता। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रस का लोभी बन के में मना खुश हो करके खाता, जीवन जब अभ्यागत आते देख देख तड़पाता, भोजन के हित काटा जाता, रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटे महापरिग्रही मारंभी वे विषय गृद्ध से घेरे, मानो वे मेहमान नरक के ऐसे पाप न पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चौथा, एक टके के लोभ के खातिर मूल हजार बिखोया, आम्र स्वाद के वश हो राजा जीवन राज्य डुबोया। अल्प सुखों के खातिर आगे दिव्य भोग क्यों टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो,
तीन वणिक धन ले कर जाते एक मोल ले आता दूजा लाभ कमा कर लाता तीजा मोल गवाता मोल मनुज गति देव लाभ है तीजी दुर्गति टालो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो हार के वो सुगति अज्ञानी आखिर दुर्गति पाते दुर्लभ दुर्गति से छुटकारा ज्ञानी जन चेताते मूल संपदा मनुज गति है इसको सफल बना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो आखिरी 13वां सूत्र ज्ञान भाव अज्ञान भाव की करके सम्यक तुलना बाल भाव को तज कर साधक श्रेष्ठ ज्ञान में रमना गुण दोषों के करे समीक्षा धीर भाव अपना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो नमो थोणम समणस भगवो महावीरस अब इसका मूल पाठ जहाय सम समो दिस कोई पोसे जलयम ओयनम जव सम दिजा पोसे जा विसयम गने तव से पुठे परे बूढ़े जाय में अमहो यरे पिनिये विवुर दे आए सम पर कंखाए जाओ नहीं आए से ताओ जीव से दुहे अह पत्तमी आए से सिसम से तुन भुंजाए जहाँ से खलो रभे आए साए समी एवं बाले पाह मिठे इहाए नरया इनसे बाले मुसावाए अधान में विलोवाए अन्य दत्त हरे तेने माए कन्हो हरे सड़े इति विषय गिद्धे महारंभ पर गए भुंज माड़े सुरम वंशम परि बूढ़े परम दम आया कक्कर भोई है तुंडिले आसनम सायणम जानम इत्तम कामेय भुंजिया दुस्साहणम धनम इच्छा बहु संचिनिया तव कम गुरु जंतु पच्चु पन्न परायणे अव अगया इस मरण तमे सोयाए तव आओ परिखिने चोया देह विहिंसगा आसुरियम
सप्तमम् दिशं बाला गच्छन्ति अवसप्तमम् जह कागिणीये हुम सहस्रहारेण रोपपत्तमम् बगम् भुजाराय रज्जं तु हरये एवं मानुषगतमादेव कामाने हन्ति सहस्रगुणीया भुजो आहु कामाय दिव्या अनेक वासन या जासपन्नोठी जाइं जीयन्ति दुमेहा उने वास सया हुए जया तिन्नी वाणिया मूलम घटोन निगया एगो थला हाई लाभम एगो मूलन आगो एगो मूलम पे हारिता आगो तत्थ वाणियो वभारे हुआ माईसा एगो धम्मे वियान है मानो सत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूल चयन जीवानम नरगति रक्तनम दुवं दुवा गई बालस आवाई वह मुलिया देवत्तम मानो सत्तम च जन जिये लोलाया सड़े तो जिये साइम होए दुवे हम दो गई गए दुला आतस उमगा अधा सुचुकिरा दवे एवं जियम सवे आए तुलिया बारम च पंडियम मुलियम ते पवे संते मानु समझोनी मेंति जे रे रामा दे माया हिम सिखाई जे नर रे सुवया उवंति मानु समझोनी कम सच्चा पानी नो जे सिम तु विहुला सिखा मुलियम ते आई थिया सीलवंता सभी सिसा अदीना जंति देवयम एवं अदीनवं भिखो अगारिम च वियानिया कहनो जिच्च मेलिकम जिच्च मानेन संविदे जहा कुसगे उदगम समुदेन समम मेने एवं मानु सगा कामा देव कामान कुसग में ताई में कामा सन्ने रुद्धमी आओ एकस हेम पुरा काम जोग खेम न संविदे इह कामानी अटस अतठे अवर जय सोचाने आओ यम बगम जम्बु जो परी भसई इह कामणी अट्ठस अतठे नावर जय पुई देहनी रोहे नम भवे देवति में सुवम एड़े जोहे जसो वन्नो आउं सुहम मनु तरम भुजो जत्थ मनु से सुतत्थ से हुवज जय बालस पस बालतम अहमम पड़े वज्या चिचारम अहम मिठे नरे हुवज धीरस पस धीरतम सवदम मनु वत्तेनो चिच्चा अधमम तम मिठे दिवे सुवव जय तुलियान बाल भावम अबालम चेव पंडिय चयोन बाल भावम अबालम चेव मुनि तिरिपिनि आठवां अध्ययन कापिलीय है। कापिलीय अध्ययन में भगवान कपिल का जो उन्होंने उपदेश दिया था उसका संग्रह है, भगवान महावीर की वाणी के माध्यम से किया गया है। कपिल जो श्रावस्ती के एक पुरोहित के पुत्र थे और क्योंकि इकलौते पुत्र थे इसलिए माता पिता का लाड़ प्यार बहुत ज्यादा मिला। लाड़ प्यार ज्यादा मिला इसलिए पढ़ लिख नहीं पाए। पुरोहित का मतलब ही होता है भैया जो राज पुरोहित होगा विद्वान तो होगा, परंतु राज पुरोहित जितने विद्वान थे उनका ये बेटा कपिल उतना ही अशिक्षित या अनपढ़ आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं था, दिमाग था परंतु पढ़ा नहीं, और अकस्मात कपिल के जो पिता हैं पुरोहित हैं उनका क्या हो गया, काल हो गया। अब होना तो ये चाहिए था अगर कपिल पढ़ा लिखा होता तो वो विद्वान होता तो वो पुरोहित बनता, पर क्योंकि भैया अनपढ़ रह गया पढ़ा लिखा था नहीं इसलिए राजा ने वो पुरोहित की पदवी किसी अन्य विद्वान ब्राह्मण को दे दी और किसी और को पुरोहित बना दिया। अब पुरोहित का जो आना जाना होता है राज दरबार में वो बड़ा शानो शौकत से होता था, पालकी दी जाती थी, अंगरक्षक दिए जाते थे, कुछ घोड़े कुछ हाथी दिए जाते थे,
और एक जो सवारी उसके घर से लेके राजमहल तक चलती, लोग जोहार करते, सर झुकाते। तो वो जो दूसरा पुरोहित बना है, एक दिन अपनी इस पूरी शानो शौकत के साथ कहाँ जा रहा था, राजदरबार में। तो कपिल और कपिल की माँ ऐसी घर के आंगन में बैठे थे, और घर के आगे से पुरोहित की क्या निकली, सवारी निकली। जैसी सवारी निकली तो पुरोहित की जो कपिल की जो माँ थी, उसे याद आया कि देखो समय भी कैसा होता है ना, कितनी जल्दी पलटा खा जाता है। कहाँ पहले ये शानो शौकत हमारे परिवार में, हमें ये पूरे का पूरा सम्मान मिला करता था, ये शानो शौकत हमारी थी। आज क्योंकि मेरे पतिदेव रहे नहीं, बच्चा इतना योग्य है नहीं, तो अब ये सारा का सारा, ये संपदा, ये सम्मान, ये सत्कार, ये सब कहाँ चला गया, ये हमारे घर से कहीं और किसी और के पास चला गया। और ऐसा सोच के थोड़े से आंखों से आंसू गिर गए। जब आंसू निकले, अब कपिल अपनी माँ से प्रेम तो करता है, अनपढ़ है पर मातृभक्त तो है। जैसे उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, कहा माँ क्या हुआ, तू रोती क्यों है? तो कहा करे बेटा बस कुछ याद आ गया। फिर क्या याद आया बताओ मुझे, आप मुझे बताओ। तो क्या करे देख बेटा, ये कितने शान शौकत से ये यात्रा जा रही है। करे हाँ वो तो राज पुरोहित है तो शान शौकत तो होगी, वो तो राज पुरोहित है, सम्मान तो मिलेगा। करे हाँ एक समय ऐसा था जब ये सम्मान तुम्हारे पिता को मिला करता था, और तुम क्योंकि अनपढ़ रह गए, तुम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए जो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए था वो सम्मान किसी और को मिल रहा है। इस सम्मान पर तुम्हारा अधिकार था, परंतु तुम क्योंकि योग्य हुए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए ये सम्मान किसी और को, किसी और योग्य व्यक्ति को मिल रहा है। तो क्या करें माँ इतनी सी बात है? करे हाँ यही बात है। तो क्या करें ठीक है, आप चाहती हो कि मैं योग्य बनूं और ये सम्मान दोबारा हासिल करूं, तो ठीक है मैं विद्या अध्ययन करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, योग्य बनूंगा, और आपको पुनः ये सम्मान क्या करूंगा, वापस दिलवा के रहूंगा। तो क्या करे ठीक है बच्चा, अगर तेरे मन में ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारे पिता के एक मित्र हैं परंतु वो यहाँ नहीं रहते, वो कौशाम्बी में रहते हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वहाँ जाना होगा। और इस तरीके से इंद्रदत्त नाम का एक ब्राह्मण देवता, जिसका एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, उसकी माँ ने एक पत्र लिखा और कहा कि यह आपके ही, आपका ही इसे अपना बच्चा समझो, और इसे क्या करो, इसे आप पढ़ाइए लिखाइए और योग्य बनाइए, इसे विद्वान बनाइए। वो पत्र लेके वो कौशाम्बी पहुँच जाता है इंद्रदत्त के गुरुकुल में। वहाँ जब गया, इंद्रदत्त ने वो पत्र पढ़ा, वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे मित्र का ही क्या आया है, पुत्र आया है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में अध्ययन के लिए रख लिया। अब क्योंकि गुरुकुल की अपनी एक पद्धति हुआ करती थी, क्योंकि सारा का सारा खाना पीना, उनका पहनना ओढ़ना, वो सारा का सारा लोगों से चला करता था, सेठों से और राजाओं से चलता था। तो कपिल के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए एक ऋषभ दत्त, एक सेठ रहते थे नगर में, उनके घर पर इंद्रदत्त ने कहा ऋषभदत्त सेठ से कि ये बच्चा है और ये खाने पीने के लिए आपके घर पर आया करेगा, तो इसके खाने पीने की जिम्मेदारी किसकी, आपकी। तो ऋषभदत्त भी खुशी खुशी तैयार हो गया कि ठीक है इसके खाने पीने की जिम्मेदारी सारी मेरी। और इस तरीके से कपिल वहाँ मन लगाकर पढ़ने लगा, और जब खाने का वक्त होता तो कहाँ पहुँच जाता, ऋषभदत्त के घर पर। अब इधर देखो ऋषभदत्त ने क्या काम किया, एक उसी के हम उम्र की, कपिल के ही हम उम्र की एक लड़की थी, एक दासी उसके घर में, उसने एक दासी ली और दासी को कहा कि देखो ये युवक है, ये ब्रह्मचारी है, ये जब भी घर पे आए तो तुम्हें इसके खाने पीने का क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखने के लिए, केवल और केवल इसका ध्यान रखने के लिए तुम हो, ये आए तो इसका क्या करना, अच्छे तरीके से इसको खाना खिलाना पिलाना और फिर इसे वापस भेज देना। इस तरीके से वो दासी, वो जब भी कपिल आता उसे खाना खिलाता। अब आप जानते ही हैं कि भैया एक तो वो हम उम्र थे, दूसरे रोज रोज का आना जाना, रोज रोज का मिलना, और वो रोज रोज का परिचय ऐसा हुआ कि कब प्रेम में बदल गया, दोनों को भी क्या नहीं हुई, खबर ना हुई। पहले तो पढ़ाई में कुछ दिन मन लगाकर उसने पढ़ा, दिमागदार था भैया, ब्राह्मण का पुत्र है तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग रखा होगा। पर इंद्रदत्त भी बड़े प्रसन्न है कि पढ़ रहा है, अच्छी गति कर रहा है। पर क्या हुआ, जब उस लड़की के फेर में फंस गया तो धीरे धीरे पढ़ाई से क्या होने लगा, मन हटने लगा। इंद्रदत्त ने एक दो बार टोका, आखिरकार कहते हैं कि भैया गलती कितनी ही कर लो, अगर बार बार रिपीट करोगे तो कभी ना कभी तो क्या होगी, सामने आएगी। सबको खबर पड़ गई कि भैया कपिल तो क्या हो गया, उस लड़की के चक्कर में फंस गया।
अब जब लड़की का चक्कर पता चला, इंद्रदत्त ने बहुत जोर से डांट मारी कि तू कहां, तू तू पढ़ने के लिए आया था और कहां तू कहां फंस गया, ये क्या काम करने लगा। एक बार समझाया, दो बार समझाया, दस बार समझाया, पर कहते हैं ना कि जब काम का भूत सर पर सवार होता है तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। जब आंखों पर वासना की पट्टी बंध जाती है तो फिर कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना कि भैया रावण को समझाने वालों की कमी थोड़ी ना थी, पर पट्टी ऐसी बंधी, कानों में उंगलियां ऐसी ठूंसी कि ना किसी की सुनी, ना किसी की मानी, ना किसी की देखी। यही हाल कपिल का भी हुआ। आखिरकार परेशान होकर इंद्रदत्त ने उसकी माँ को पत्र लिखा और कपिल को अपने आश्रम से क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जैसे ही आश्रम से निकला, उधर से वो ऋषभदत्त ने भी उसकी क्या कर दी, छुट्टी कर दी। दोनों तरफ से क्या हो गया बेचारा, उसका तो देश निकाला हो गया। अब वो अपनी उस दासी के साथ, अब तो उसकी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ जहाँ भी उसे छोटा मोटा रहने के लिए जगह मिली वहीं पर वो क्या करने लगा, कौशाम्बी में ही रहने लगा। समय व्यतीत होता है परंतु देखो पढ़ा लिखा है नहीं, योग्यता है नहीं आदमी में, आज तक बैठकर ही खाया है। अपने घर में जब तक था माता पिता का खाया, यहाँ जब इंद्रदत्त के गुरुकुल में आया तो ऋषभदत्त का खाया। कुछ कमाना आता नहीं है, कुछ करना आता नहीं, तो क्या किया बेचारा, छोटा मोटा काम धंधा करके या छोटा मोटा जो भी करके, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता है, समय व्यतीत होता है। एक बार नगर में कोई मेला था, नए कपड़े लोग खरीद रहे थे, नए वस्त्र आभूषण खरीद रहे थे, तो कपिल की जो पत्नी है उसने कहा कि मुझे हार चाहिए। क्या कहा, कि मुझे हार चाहिए और मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो उसने कहा कि भैया ये कपड़े, इसमें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा, बहुत सारा धन लग जाएगा। तो क्या करें, नहीं मुझे चाहिए, और आप कहीं से भी करके देखो, इतने सारे पड़ोसने हैं, चलो ठीक है मैंने साल भर आपसे कुछ नहीं मांगा, पर देखो अब तो त्योहार का दिन है और ऐसे समय में भी अगर आप नहीं लाओगे तो फिर कब करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसने कहा करे ठीक है क्या करें। तो उसे पता चला कि नगर में एक कोई सेठ है जो अगर सबसे पहला जो भिखारी पहुंच जाए तो उसे दो मासा सोना देता है। कितना, दो मासा। अब ये तोल मुझे नहीं पता कि ये कितना होता है, पर दो मासा वो क्या करता है, सोना देता है। उसे पता चल गया। तो जैसे उसे पता चला तो उसके मन में एक विचार आया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और दो मासा सोना लेकर आऊंगा और उसके बाद कपड़े वगैरह जो इसे चाहिए वो इसको दिलवा दूंगा। अब वो रात को सोया, पर उसे रात को नींद नहीं आई। किस लिए नहीं आई, कोई और ना पहुंच जाए मांगने के लिए। अब उसके हालात बेचारे की पतली, तो वो रात बार बार उठे। आखिरकार बेचैनी तो थी मन में, उसे लगा हो गई सुबह और निकल पड़ा आधी रात को ही घर से। डेढ़ दो बज रहे होंगे और घर से निकला, और घर से निकलते ही जैसे ही गली में निकला, थोड़ी दूर पहुंचा, आरक्षियों ने क्या कर लिया, जो नगर के रक्षक थे, सैनिक थे, उन्होंने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। बेचारा गया था दो मासा सोने के लिए और कहाँ पहुंच गया, कारखाने, कैद खाने में। जब कैद खाने पहुंच गया सुबह राज दरबार में, सबसे पहले किसको हाजिर किया, वही कपिल को। और कपिल को जैसे ही हाजिर किया, वो बेचारे क्योंकि जेल में पड़ा हुआ था इसलिए उसको दुख भी हो रहा था कि ये काम है, ब्राह्मण देवता कहाँ जेल में आ गया। तो राज दरबार में हाजिर होते ही राजा ने कहा कि बोलो ब्राह्मण देवता, क्या बात है, आप ये कह रहे हैं कि आप रात को भटक रहे थे, किसके यहाँ सेंधमारी करने की तैयारी थी। तो उसने ना अपने शुरू से लेकर आखिरी तक की जो कहानी थी वो पूरी की पूरी सच्चाई के साथ राजा को बता दी कपिल ने, कि कहाँ मैं ब्राह्मण का बेटा, कहाँ अनपढ़ रह गया, कहाँ विद्या अध्ययन के लिए आया, कहाँ एक लड़की के प्रेम में फंस गया, और फिर कहाँ मैं दो मासा सोने के चक्कर में आधी रात को घर से निकल गया और कहाँ पहुंच गया, जेल में। राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो ये होती है ब्राह्मण का धर्म, कि चाहे कैसा भी है, चाहे दुखी परेशान, परंतु झूठ झूठ नहीं बोला, सच बोला है, अपने बारे में कुछ भी छिपाया नहीं। तो उसने कहा करे ठीक है ब्राह्मण देवता, एक काम करते हैं, आपको दो मासा सोना चाहिए था, करे हाँ दो मासी की आशा थी, करे काम करते हैं, मैं आपको मुंह मांगा क्या करता हूँ, सोना देता हूँ, जितना आपको चाहिए उतना मांग लो। तो उसने कहा करे, अब ये एकदम से झटका था ये, तो उसने कहा मुझे ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो कहा करे ठीक है सोच लीजिए। वो गया दरबार से बाहर और ये जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठने के बाद सोचने लगा कितना मांगू। अब देखो वो दो मासा सोने से बढ़कर कहाँ पहुंच जाता है, चलो थोड़ा सा मां 10 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ। फिर 10 से क्या होगा, तुझे तो कमाना भी नहीं आता, चलो 1000 मांग लेते हैं। 1000 से 10,000 तक पहुंचा, 10,000 से करोड़ तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया कि राजा का आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर ख्याल आया करे नहीं,
अगर राजा का दिमाग फिर गया और उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, आधा राज्य वापस ले लिया, तो तू तो वहीं का वहीं रह जाएगा। नहीं, ऐसा करते हैं, राजा का पूरा राज्य मांग लेते हैं। और मन में जैसी विचार आया कि राजा का पूरा राज्य मांग लेते हैं, वो उठा। इतने में क्या हुआ, उस जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ का एक पत्ता हवा के झोंके से नीचे गिरता है। और जैसे उसने पत्ता गिरता हुआ देखा, अब भव्य आत्मा है ना, चरम शरीर ही है, उसने गिरना नहीं है, उसने तो उसके तो उसका लक्ष्य ही क्या है, वो अपना लक्ष्य लेकर आया है, बेशक अनजाना है परंतु जाना कहाँ है, मोक्ष में। तो वो जैसे ही पत्ता गिरते हुए देखा, एकदम से भावधारा पलटी कि हाय, ये पत्ता एक दिन इस पेड़ पर क्या था, इसका जन्म हुआ, इसी पेड़ पर बढ़ा और आज पीला पड़ा है, कच्चा पड़ा है, तो बेचारा हवा के एक हल्के से झोंके से ही क्या हो गया, नीचे गिर गया। अरे कपिल, तू किस भुलावे में फंस गया, तू किस भुलावे में फंस रहा है, तेरा भी जन्म हुआ है, तू भी जी रहा है और एक दिन इस पीले पत्ते की तरह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कहाँ फंस गया तू, कहाँ 2 मासा सोने की आशा लेकर घर से निकला था, और कहाँ तू राजा का राज्य भी हड़पने के लिए तैयार हो गया। ये जो तेरा लोभ है, ये लोभ तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो वहीं बैठ गए, और बैठते कहते हैं कि बैठे तब ही उठे जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया। वहां से केवल ज्ञानी होकर वो, जब राजा ने कहा कि भैया इतनी देर हो गई, बुलाओ तो सही, क्या सोचने लगे, और राजा को भी खतरा पैदा हो गया कि कहीं उल्टा सीधा ना मांग ले। तो कहते हैं जब वो गए वहां पर, तो भगवान कपिल ने कहा कि मुझे जो संपदा चाहिए थी वो क्या हो गई, उपलब्ध हो गई, और वो वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद वो वापस श्रावस्ती आ रहे थे, तो बीच में एक जंगल पड़ता है, तो श्रावस्ती आ रहे थे वापस लौटकर अपने गृह नगर। तो बीच में 500 चोरों का एक टोला रहता था। अब वो जो चोरों का झुंड, उन्होंने जैसे कपिल को आते हुए देखा, तो कपिल को देखते ही उन्होंने पकड़ लिया कपिल को और कहा कि तुम्हारे पास जो भी है हमें सौंप दो। तो उन्होंने कहा, करे भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चाहे तुम क्या कर लो, तलाशी ले लो। तो भगवान कपिल ने जब उनको कहा कि तलाशी ले लो, जब उन्होंने तलाशी ली और सचमुच में उसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा, करे तुम हो कौन। तो उन्होंने कहा, मैं भिक्षु हूँ। क्या कहा, मैं भिक्षु हूँ। तो क्या करे, अच्छा साधु बाबा हो। करे हाँ। तो क्या करे, चलो तुमने कुछ दिया तो है नहीं, है ना, तुमसे कुछ टका वगैरह तो मिला तो है नहीं, तो ये काम करो, बैठो और हमें कोई गीत सुनाओ। क्या कहा, हमें कोई गीत सुना दो। तो भगवान कपिल ने कहा, करे ठीक है। वो एक ऊंचे टीले पे बैठ जाते, 500 चोर नीचे बैठ गए, और 500 चोर नीचे बैठे हैं और भगवान कपिल ने गीत गाना शुरू किया। वो जो गीत गाया है वो ये अध्ययन है, जो उन्होंने गीत का गान किया, जो उन चोरों को गीत सुनाया, वही गीत कापिलीय अध्ययन है। उस गीत को सुनते कहते हैं कि एक एक गाथा आगे बढ़ती चली जाती है, और वहां पे जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे वैरागी बनते चले जाते हैं। आखिरी गाथा होती है और 500 के 500 चोर वैराग्य वासित हो जाते हैं। भगवान कपिल जो कौशाम्बी से अकेले आए थे श्रावस्ती के लिए, अब वो श्रावस्ती की तरफ अकेले नहीं चले, वो 500 चोरों को अपना शिष्य बनाकर श्रावस्ती की तरफ बढ़ चले। तो वही गीत इस अध्ययन में है। उस गीत के भावों को पहले हम गीतिका लेंगे और उसके बाद मूल पाठ। दुर्गति के हेतु दो हैं, उनसे बच कर के रहे, लोभ पहला काम दूजा, भिक्षु इनमें न बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता लोभ भी बढ़ता, वहाँ कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उतरा ध्यान में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दुख से पूर्ण जगत यह नश्वर, दुर्गति कैसे टालूं, कैसे कर्म करूं बतलाओ, कृपा करो दयालु। केवल ज्ञानी मुनिवर बोले,
जग से राग हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व सभी संयोग तजो और बंधन सारे तोड़ो, रागी पर ना राग करो और पर आसक्ति छोड़ो, सब जीवों के हित में बोले सुन कर दुख मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन बना लो, जीवन धन्य बना लो। नौवां सूत्र। समाधि योग से भ्रष्ट हुए काम भोग रस लेते, ऐसे साधक मर कर आग असुर काय में जाते, बोधि मिलना दुर्लभ उनको इसका ध्यान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। दसवां। दो माशा सोने की इच्छा पहुंच गई करोड़ों पे, मिल जाए धरती धन सारा वह भी लगता कमतर, लाभ से लोभ सदा बढ़ता है लोभ लाल साटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब मूल पाठ लेंगे। अधुवे असासगम्मी संसारम में दुख पौराए, किम नाम होज्जतम कम वयम जीर्णाहम दुग्गयम न गच्छेज्जा, विजहितोपु असंजोगम न सिणेहम कहिम चुकुवेजा, असिणेह सिणेह करेहिम दोष पौसेहिम मुच्चये भिक्खु। तो नाण दंसन समग्गो हि अनिशेषाय सब जीवाणम तेसिम विमोक्षणठाय भासई मुनिवरो विगय मोहो, सर्वम गंथम कलहम च विपजहे तहा विहम भिक्खु, सर्वेषु काम जायेषु पासमाणो न लिप्पयिताय भोगामिस दोष विसन्ने हि अनिशेषय बुद्धि वोचत्थे, बालेय मंदिये मूढ़े वज्जय मच्छिया वखेलम्मे, दुपरिचया इमे काम नो सुजहा अधीर पुरुषे हैं, अह संति सुवया साहु जे तरंति अतरम वणियावा, समणामु एगे वैमाणा पाणवहम बिया अयानंता, मंदा निरयम गच्छन्ति बाला पावी याहिम दिठेहिम, नहु पाणवहम अणुजाने मुच्चेज्य कया ये सब्व दुखाणम, एव मायरियेहिम अखायम जेहिम इमो साहु धम्मोपन्नतो, पाणेयनाय वैज्य से समेत्य उच्चैताय तौ से पावयम कम्बम निज्जाय उद्गम वथलाओ, जगनिस्य एहिम भूएहिम तस नामेहिम थावरेहिम च नोते सिमारभे दंडम मनसा वयसा कायसा चेव, शुद्धे सणावो नच्चाणम
तठठ विज्ज भिक्खु अप्पाणम जाय आए घास में सिज्जा रस गिद्धेण सिया भिखाए ए पंताणी चेव सेविज्जा सीयम पिंडम पुराण कुम्मासम अदु उक्कसम पुलागम व जवनठाए निसेवय मंथु जे लखणम च सुवेणम च अंग विज्जम च जे पौंजंती नहु ते समणा उच्चंती एवं आयरिये हिमखायम एह जीवयम अणीयमेत्ता पब्भट्ठा समाहि जोए हिम ते काम भोग रस गिद्धा ओ वज्जन्ति आसुरे काये तत्तो वीय उवट्ठित्ता संसारम बहु अणुपरिहयन्ति परिहन्ति बहु कम्मलेव लित्ताणं बोहि होइ सुदुल्लहाते सिम कसिणंपि जो इमं लोयम परिपुन्नम दलिज्ज इक्कस तेनावीसेन संतुष्ये इ दुप्पूरय इमे आया जहा लोहो लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवढ़ई दो मास कयम कज्जम कोड़िये वीण निठेम नो रखसीसु गिज्जेजा गंड वच्छा स्वणेग चित्तासु जाओ पुरी संपलो भित्ता खेलंती जहा वदासे हैं नारीसु नेव गिज्जेजा इत्थी विप्प जहे अणगारे धम्मम च पेसलम नच्चा तत्थठ विज्ज भिक्खु अप्पाणम इ एस धम्मे अखाए कविलेणम च विशुद्ध पन्नेणम तरिहंती जीव कहिं काहिंती तेहिम आराहिया दुवे लोगा आज की वाचना यहीं विराम पाती है। अब हम आलोचना सूत्र पढ़ेंगे। श्री आगमे तिविहे पनत्ते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदु भयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तिमे आलो जम्वा इदम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम परहिणम विनयहिणम जोगहिणम घोषेणम सुठो दिन्नम दुठो परिचिन्नम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय। पिछले कई दिनों से लगातार आज से ओम असी अवसा का जाप प्रारंभ हुआ और इस जाप की पूर्णा होती 31 दिसंबर को होने जा रही है। जहाँ कहीं हम होंगे अगर आप वहाँ आ सको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है और पूर्णा होती जहाँ 31 दिसंबर को हम होंगे आपके पास सूचना पहुँची जाएगी। जो जो भी उस प्रसंग पर या उस समय उपस्थित हो सकता है, क्योंकि साल का अंतिम दिन भी होगा अंग्रेजी महीने के हिसाब से, तो आप सभी जो जो भी आ सकता है वहां आने का भाव रखेंगे। अभी आपने हमारे लाडले प्यारे सुविज्ञ प्रतिभा संपन्न मधुर वाणी के अधिकारी मेरे ऋषि मुनि जी महाराज, उनके मुख से आपने भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराध्यायन सूत्र को बड़े ही सुरीले और रसीले कंठ से श्रवण किया। ये हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है कि इस श्रुत आराधना के पावन प्रसंग पर हम सभी साक्षीदार हैं। हम भी इस पावन प्रसंग पर हिस्सेदार हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हमारा तन मन जीवन पूर्णतः है जिन वाणी के प्रति समर्पित है। ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है। अब थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र को धर्म न दो जा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना साची बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप
जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे। सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार, हरिश्चंद्र के सत्य के सुनिए अब झनकार। वह सत्यवादी हरिश्चंद एक पल में बना भिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसाने, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। अपने गुरुदेव श्री जी को, उपाध्याय श्री जी को, भंते श्री जी को हार्दिक वंदन करता हूँ। अपने लघु संतों को हार्दिक क्षण है, और उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं आप सभी का इस अहिंसा समोसरण में हार्दिक स्वागत। राजा हरिश्चंद्र ने वो करिश्मा करके दिखा दिया जो हर किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि लोभ, महत्वाकांक्षा की जंजीरों से जकड़ा हुआ इंसान कभी भी उदारता बरत नहीं सकता, दान की सोच नहीं सकता, राज्य का दान वही दे सकता है जो जीवन को दांव पर लगाने को तैयार रहता है। और वो करिश्मा करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखा रहा है। एक महीने की मोहलत मिली है, 30 दिनों के अंदर या 30वें दिन तक 1000 स्वर्ण मुद्रा जो केवल बोली गई है, कोई कर्जा नहीं है उसके ऊपर, किसी का कर्जदार नहीं है, केवल अपनी जबान है कि ठीक है, जब मुंह से निकल गया है कि 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा तो दूंगा, चाहे कैसे भी दूं, यह संकल्प लेकर के निकल पड़ा है राज्यसभा से अपने राजमहल की ओर। जब राज्यसभा में आया था उसका रूप कुछ और था, राजा महाराजा जैसे शाही ठाट थे, लेकिन जब राजसभा से राजमहल की तरफ गया तो सिर पर मुकुट नहीं था,
गले में 9 लड़ियों का हार नहीं था, पाँव में कोई पाद त्राण नहीं थे, सिर नंगा पाँव नंगे, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह अपनी ही नगरी से राजमहल की तरफ जा रहा है। जिन जिन लोगों ने अपने चहेते राजा की जब ये दशा देखी, कभी रोना भी आता है, कभी फक्र भी आता है। रोना इस बात का आता है कि इतना दयालु राजा अब हमें कहीं मिलने वाला नहीं, और फक्र इस बात पर आता है कि जो हमारा सरताज था, अपनी जबान के पीछे राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अपने शरीर पर मैल लग जाए तो उसे झाड़ देते हैं। क्या निष्प्रियता है, निष्प्रियता की चिंतन करते हैं तो दिल से आवाज आती है, धन्य हो धन्य हो। यह सब माजरा चल रहा है, कदम बढ़ रहे हैं राजा के राजमहल की तरफ। और अब देखिए आप, पति पत्नी के प्रेम का भव्य मनोहर चित्र भाइयों सुने भक्ति से उज्जवल करें चरित्र। पति और पत्नी की क्या मोहब्बत होती है, पति और पत्नी का क्या त्याग होता है। ये एक ऐसा चित्र है जो केवल गहराई से सुन ले तो अपना चरित्र उज्जवल करने की प्रेरणा मिलती है, अपने अंदर पड़ी हुई गांठों को खोलने का समाधान मिलता है। हरिश्चंद्र नृप स्वर्ण महल की ओर प्रेम से बढ़ते हैं, किंतु चित्त की स्थिति विचित्र है, पावन आगे बढ़ते हैं। आंखों के आगे रह रह कर तारा झलक दिखाती है, भोले भाले रोहित की भी याद हृदय अकुलाती है। स्वर्ण महल की ओर कदम बढ़ रहे हैं राजा हरिश्चंद्र के, लेकिन चित्त की स्थिति बड़ी विचित्र है, दिल की दशा निराली है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, मन कहता है वापिस आ, क्योंकि तारा का भोला भाला चेहरा और रोहित की वो प्यारी सी सूरत उसकी आंखों के आगे नाच रही है। दिल में एक ख्याल आया, ये ख्याल भी एक सत्यता की कसौटी है कि मैंने राजा का धर्म तो पूरी तरह निभा दिया, लेकिन अब मेरे दो धर्म रह गए हैं, एक पिता का और एक पति का। अब सोचने लगा, कौशिक को सर्वस्व दान दे दिया, नहीं कुछ भी है चिंता, वज्र प्रकृति का बना हुआ हूं, क्या निज सुख दुख की चिंता। तारा रोहित को लेकिन निष्कारण संकट में डाला, मुझको अपना सत्य निभाना, ये क्यों भोगे दुख ज्वाला। विकट समस्या इन्हें कहां किसके आश्रय पर छोड़ूंगा, सबसे बढ़कर मृदुल स्नेह का बंधन कैसे तोड़ूंगा। कि विश्वामित्र को मैंने सब कुछ दे दिया, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो मेरा धर्म था और अपना धर्म निभाना मेरा परम कर्तव्य था। अपने मामले में मैं वज्र प्रकृति का हूं,
यानी मेरे ऊपर चाहे मुसीबतों का पहाड़ भी क्यों ना टूट पड़े तो भी मैं कोई परवाह करने वाला नहीं हूं। लेकिन तारा ने और रोहित ने इन दोनों को मैंने मुसीबत में डाल दिया। मैंने तो अपना धर्म निभाना है, लेकिन ये जो मुसीबत में पड़ गए इनका क्या करूं मैं। और ये अब पति का चरित्र आया है और एक पिता का दिल आया है, अब मैं इनको किन के सहारे छोड़ूं, कहां पर छोड़ूं इनको, कहां भेजूं इनको। और दूसरी बात, मैं तारा के बिना और रोहित के बिना भी तो नहीं रह सकता, और इन्हें मैं कहीं ले जा भी तो नहीं सकता, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर उनको तो चाहिए ना, रोटी भी वक्त पर चाहिए। मैं स्वयं तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन पत्नी को और पुत्र को भूखा कैसे देखूंगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। इस प्रकार संकल्प और विकल्पों से टक्कर खाता हुआ, टकराता हुआ उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार चल संकल्पों की लहरों से लेते टक्कर, कंपित तन से कंपित मन से पहुंचे महलों में नृपवर। पता चला जब दासी से तो उन्मन उपवन में आए, लता कुंज की ओट मातृ सुत सन्हे मूर्ति बैठे पाए। जैसे वो महलों में पहुंचे, शरीर कांप रहा है, मन भी कांप रहा है कि पता नहीं तारा को क्या महसूस होगा, तारा को मैं क्या जवाब दूंगा, और पता नहीं मेरे इस त्याग से उसको खुशी भी होगी या दुख होगा, क्योंकि त्याग मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सुख दुख का साथी तो मैं उनका भी हूं। वो पता नहीं मेरे को समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। यूं सोचते हुए महल में गया, आवाज भी लगाई, रोहित तारा, लेकिन आवाज गूंजी तो सही लेकिन प्रतिध्वनि नहीं आई, आवाज की आवाज नहीं आई। दासी तुरंत दौड़ी आई। दासी ने कहा, महाराज मां और बेटे दोनों महल के बराबर में जो बगीचा है वहां पर दोनों मां और बेटे गए हुए हैं। ओ ठीक है, धन्यवाद। महल से निकला, बगीचे में पहुंचा, एक लता थी उसकी ओट में, एक शिला थी और उस शिला पर तारा बैठी हुई है और गोद में रोहित लेटा हुआ है उसका सिर, और उसका सिर सहला रही है और सहलाते हुए उसको कभी प्यार करती है, कभी उसको चूमती है, कभी कलेजे से लगाती है, और फिर उसे सामने बैठा दिया। सामने बैठा करके उसकी आंखों में आंखें डालकर, रोहित की आंखों में आंखें डालकर तारा उसको शिक्षा देने लगी और कहने लगी, बेटा तू है कौन और किस कुल का उज्जवल दीपक है, सूर्य वंश के महिमा यश गौरव का तू समवर्धक है। हठी लालची अभिमानी, हठी लालची अभिमानी, कटुभाषी तू न कभी बनना, वीर पिता के वीर पुत्र हो, निर्भयता का पथ चुनना।
कैसा अच्छा शोभित होगा रतन जड़ित सिंहासन पर, अपना यश परिमल फैलाना प्रजा प्रेम से पालन का। रोहित तुझे पता है तू किस कुल का दीपक है, तू किस खानदान का चिराग है जानता है बेटा? तू सूर्य वंश का दीपक है। बस बेटा मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती, बस अपने कुल को कलंक मत लगाना। इस कुल के अंदर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, बड़े बड़े दानवीर महापुरुष हुए हैं, और अपनी प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करने वाले हुए हैं। इसके लिए बेटा तुझे अपनी मां की कसम है कि जिंदगी में तू एक हठी मत बनना, किसी बात की जिद मत करना। एक बेटा तू कभी लालची मत बनना, यानी चीजों के पीछे पागल मत बनना, दुनियावी वस्तुओं के लिए दीवाना मत बनना, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर ही जाना है। हठी नहीं बनना, लालची मत बनना, और लेकिन बेटा दूसरी तीसरी बात कि बेटा जिंदगी में कभी अभिमान मत करना। ये मत सोचना कि तू महलों में रहता है, लेकिन महलों में हम जिनकी बदौलत रहते हैं उनको तू कभी छोटा मत समझना। ये जो जनता नजर आती है ना, ये हमारी उपकारी है, इन्हीं की वजह से तुम्हारा पिता राजा है, उसी की वजह से, इस प्रजा की वजह से तुम राजकुमार हो, मैं महारानी हूं। अपनी प्रजा को कभी छोटी दृष्टि से, छोटी नजर से मत देखना बेटा। और एक चौथी बात बेटा, जिंदगी में कभी कड़वे वचन मत बोलना बेटा, क्योंकि ये वचन कड़वे बहुत गंदे होते हैं, किसी के दिल में छेद कर देते हैं। तेरे पिता इतने अच्छे हैं बेटा, तेरे पिता की प्रशंसा देवलोक में भी होती है। अपने पिता के गुण जरूर लाना। और बेटा उस दिन तू कितना सुंदर लगेगा जिस दिन तू स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर राज मुकुट पहनकर, क्या रूप लगेगा तेरा। ओहो सारी जनता तेरी ओर प्यार से निहारेगी, और मैं भी झरोखे से तुझे निहारूंगी, तो उस वक्त कितना सुंदर लगेगा। सोने जैसा चेहरा है और रतन जड़ित मुकुट होगा, स्वर्ण सिंहासन होगा, नीचे प्रजा बैठी हुई होगी, उस समय मेरा बच्चा, मेरा ये राजकुमार जब राजा बनेगा या युवराज बनेगा, उस वक्त कितना सुंदर लगेगा। और कल्पना करते ही उसको तुरंत वहां से उठा लिया और अपने कलेजे से लगा लिया, और उसका मुख चूमने लगी और खुशी के आंसू बहने लगे। ये शब्द हरिश्चंद्र के कानों में पड़ रहे। इन शब्दों को सुनते ही हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा मन ही मन में कहा, प्रिय तू किस ब्रह्म नाम में भूली है, क्या रोहित के लिए प्रेम में बैठी फूली फूली है, आज तुम्हारा पति रोहित का हा सर्वस्व लुटा आया, पता नहीं क्या तुम्हें भूप से बस कंगाल बनाया। जब अपनी रानी के मुख से ये शब्द सुने अपने बच्चे के लिए, तो सोचने लगा कि भोली है, तुझे पता भी नहीं है मैं क्या करके आ चुका हूं। अब और डर गया वो कि जो एक मां अपने बच्चे के लिए इतने सुनहरी और सलोने सपने संजो के रखे हुए है, उसके सामने जब मैं जाऊंगा और उसे ये कहूंगा
तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जैसे ही अपने आंसुओं को पूछने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ झाड़ियों से छू गया और झाड़ी से छू गया तो आवाज हुई और जब आवाज हुई तो नजर पड़ी झाड़ियों के पीछे खड़े हुए हरिश्चंद्र के ऊपर। रानी ने कहा रोहित को, देख बेटा तुम्हारे पिता की हमें ये बात पसंद नहीं है। हाँ, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ना, और तुम्हारे पिताजी चोरी चोरी हमारी बातें सुन रहे थे। भाई मैं तो जा रही हूं। वो उठ के चली और मटकती हुई जा रही है, इतराती है, इतराती हुई जा रही है। इधर रोहित ने पिता को देखा तो मां को छोड़कर पिता की ओर लपका। जिस वक्त वो लपका चलता हुआ आया अपने पिता की तरफ, पिताश्री पिताश्री, एकदम पांव से लिपट गया, उठा लिया हरिश्चंद्र ने रोहित को, गले से लगा लिया, उसका माथा चूमने लगा। आज बस इतना ही। यहां से बहुत बड़ी बात शुरू होनी है, इसलिए मैंने रोका है, क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा उस बात को मैं आगे बढ़ा सकूं। लेकिन क्या सोचा था और क्या होगा ये पता चलेगा। इस समुदाय को देवी क्यों कहा जाता है ये तारा के चरित्र से पता चलता है, ये कल सुनेंगे हम। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हेरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत